अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद, फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। काबिल एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख मुख्तार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर अहले इल्म, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, पिछले हफ्ते ही से, जैसा कि शेख ने भी बताया, किताब बुलूगुल मराम जो इमाम इब्न हजर की किताब है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह, इस किताब का आखिरी हिस्सा किताबुल जामे, जिसमें अखलाक व आदाब से मुतालिक बहुत ही जामे अंदाज में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जमा की हैं। इसके 3 बाब हम ख़त्म कर चुके हैं और पिछले हफ्ते से ही हमने अगले बाब का बाब मसाविल अखलाक, तरहीब में मसाविल अखलाक, बुरे अखलाक से तरहीब, यानी बुरे अखलाक के बुरे अंजाम से डरावा, ये बाब हमने शुरू किया था। लेकिन गोया के यानी उस हदीस का ही हमने ज़िक्र किया था, तफसील उसकी हमने नहीं देखी। तो इंशाल्लाह आज से हम एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं और ये बाब है तरहीब, बाब तरहीब मिन मसाविल अखलाक। बुरे अखलाक से बचना ज़रूरी है और इनका क्या नुकसान है, इससे मुतालिक बाब। इसकी पहली हदीस हम पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी शरह करेंगे और उसके बाद दूसरी भी हदीस है। तो 2 चीज़ें अगर वक्त में वसात रही तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, एक हसद से मुतालिक और एक गुस्से से मुतालिक। ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं और आपस में जुड़ी हुई भी हैं। तो इनके नुकसानात क्या हैं और इनका इलाज क्या है, इंशाल्लाह इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। हदीस के अल्फाज हैं, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारु अल हतब। अखरजहू अबू दाऊद वल इब्न माजह मिन हदीसी अनसिन नहवुहू। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़बरदार हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को वैसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को, जो जलाने की लकड़ियाँ छोटे छोटे तिनके होते हैं, तो उसको जला देती है। लकड़ी जलाने के लिए, जो यानी आग जलाने के लिए छोटे छोटे तिनके जमा किए जाते हैं और लकड़ियाँ जमा होती हैं और उनको जला के आग हासिल की जाती है रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए। तो ये जो हतब है, इसको जिस तरह से तेज़ी से छोटे छोटे तिनकों को, छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़ों को जैसे आग जला देती है, वैसे ही हसद इंसान की नेकियों को खाक कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है और इब्न माजा ने भी हज़रत अनस से इसको रिवायत किया है, जो इसी के करीब अल्फाज के साथ हदीस आई है। तो गोया के 2 सहाबी, अबू हुरैरा और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से यह हदीस आई है। लेकिन जैसा कि पिछले दर्स में मैंने ज़िक्र किया था, ये दोनों हदीसें सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं। शेख अलबानी ने अद्दाइफ़ा में हदीस नंबर 1901 और हदीस नंबर 1902, इन दोनों पर इन हदीसों की सनद की तफसील बयान की है। कोई तफसील देखना चाहता है तो वहाँ देख सकता है। इस एतबार से, ये सनद के एतबार से दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। लेकिन हसद की बुराई अपनी जगह मुसल्लम है और हसद का जो नुकसान यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है, बल्कि हसद इंसान के ईमान को भी खा जाता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो हदीस के माना में अपनी जगह वज़न बाकी है कि हसद इंसान की दीनदारी को नुकसान पहुँचाता है। तो इस माना के एतबार से बहुत सारी और दलीलें हैं कुरान सुन्नत में और सलफ़ के अक़वाल में। उनको देखने के बाद इस हदीस की मज़ीद मानवी एतबार से तायद होती है कि हसद इंसान की नेकियों के लिए, उसकी दीनदारी के लिए नुकसानदेह। इससे पहले कि हम हसद के नुकसानात देखें, ये देखना ज़रूरी है कि वाकई हसद क्या है, ताकि हम उसको अपने अंदर तलाश करें कि कहीं ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं। इस ताल्लुक़ से इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल हसदु तमन्नी अश्शख्सी ज़वाल निअमती अन मुस्तहिक़िल्लहा। कहते हैं कि हसद ये है कि किसी नेमत के मुस्तहिक़ से उस नेमत के ज़ायल हो जाने की तमन्ना करना। यानी मिसाल के तौर पर किसी इंसान के पास कोई खैर है, कोई नेकी है, मान लीजिए खूबसूरत है, मान लीजिए सेहतमंद है, या मालदार है, या दीनदार है, या उसके पास कोई ओहदा मकाम है। तो कोई खैर उसके पास अगर है, इज़्ज़तदार है, तो इस खैर के का वो मुस्तहिक भी है, ऐसा नहीं कि मुस्तहिक नहीं है, बल्कि वाकई वो उस खैर का, उस नेमत का मुस्तहिक है, हकदार है, लायक है उसके। लेकिन फिर भी उससे उस नेमत के ज़ायल हो जाने की चाहत करना, तमन्ना करना कि काश ये आदमी, यानी इसकी सेहत ख़त्म हो जाए, काश इसका ओहदा चला जाए, काश इसका यानी नुकसान हो जाए, गरीब हो जाए, ये मालदार से फ़कीर हो जाए। तो किसी नेमत के हकदार से इस बात की तमन्ना करना कि उसकी वो नेमत उससे ज़ायल हो जाए। यहाँ मुस्तहिक की शर्त बहुत मुहिम है, अहम है, इस एतबार से कि बाज़ औक़ात कोई गलत आदमी होता है जो हाकिम होता है, कोई गलत आदमी होता है जो मालदार होता है, और माल को गलत खर्च करता है या अपने इक़्तिदार को गलत खर्च करता है, इस्तेमाल करता है। अब कोई आदमी तमन्ना करे कि काश इससे ये इक़्तिदार हट जाए, या काश इससे ये माल हट जाए कि गुनाहों में खर्च नहीं करेगा, नुकसान लोगों का नहीं करेगा, जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, तो ये हसद नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक गैर मुस्तहिक से उस नेमत के या उस ताकत के ज़वाल की तमन्ना कर रहा है, तो ये गलत नहीं है। गलत यह है कि मुस्तहिक से इंसान तमन्ना करे कि ये चीज़ ज़ायल हो जाए। तो कहते हैं कि अलहसदु तमन्नी अश्शख्सी ज़वाल निअमति अन मुस्तहिक़िल्हा। कहते हैं कि अअम्मु मिन अन यसअ फ़ी ज़ालिका औला। कहते हैं लेकिन ये एकदम आम है, महज़ तमन्ना कर देना ही हसद है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह आदमी उस नेमत के ज़ायल करने में कोशिश करे। तो कहते हैं कि ये बहुत आम है हसद, एक आदमी किसी से उस नेमत के हटाने की कोशिश करे, उससे छीनने की, उससे ज़ायल करने की कोशिश करे या न करे, हसद वाक़े हो जाता है। हाँ, अगर उसके लिए वो मज़ीद कोशिश करे कि इसको वहाँ से हटा दे, या इसको गरीब बनाने के लिए कोशिश करे, या उसकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए कोशिश करे, तो ये और ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है। अब ये जुल्म भी इसके साथ जमा हो जाता है। तो सिर्फ दिल की सतह पर तमन्ना करना हसद होता है, अमलन उसके लिए कोशिश करना न करना एक जायद चीज़ है। फतहुल बारी में हदीस नंबर 6064 के तहत इब्न हजर ने ये बात कही है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, वला तहासदू, आपस में एक दूसरे से हसद मत करो, आपस में एक दूसरे से हसद मत करो। इसके क्या माना है? कहते हैं, आई ला यतमन्ना बअदुकुम ज़वाल निअमति बअदिन सवा अन अरादहा लिनफ्सिही औला। मुल्ला अली कारी यहाँ पर एक और ज़ायद माना उसमें हमको बता रहे हैं। कहते हैं कि हसद क्या है? कहते हैं कि ला यानी तुम हसद मत करो का मतलब क्या है? तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे से उसकी नेमत के ज़वाल की तमन्ना न करे, उसकी नेमत के हट जाने की तमन्ना न करे। सवा अन अरादहा लिनफ्सिही औला, चाहे वो उस नेमत को उससे छीन कर खुद मिलने की तमन्ना हो या ना हो, हसद अपनी जगह वाक़ई हो जाता है। यानी एक तो यह है कि एक इंसान ये तमन्ना करे कि फ़लाँ आदमी के पास ये नेमत है, उससे हट के मुझको मिल जाए, तब भी ये हसद है। लेकिन अगर ये तमन्ना न करे कि मुझे मिले, किसी और को मिल जाए, या वो ज़ाय हो जाए, उसका पैसा उसके हाथ से, उसकी जेब से निकल के पानी में चला जाए, किसी को भी नहीं मिला, तब भी ये हसद है। महज नेमत के ज़वाल की तमन्ना हसद होता है, चाहे फिर वो ख़ुद को मिले या ना मिले, चाहे उसके हटाने की कोशिश करे या ना करे, ये हसद अपनी जगह है। तो ये चीज़ इस्लाम में मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है कि मुसलमान को चाहिए कि वह हसद न करे, हसद करना जायज़ नहीं है। एक और माना इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जिक्र किया है, यानी जो नेमत के ज़ाहिर होने के माना है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये भी ज़रूरी नहीं है, एक इंसान महज किसी इंसान को नेमत मिलती है उस पर दिल में नाराज़ हो, बुरा माने, दिल में उसको बुरा लगे, ये भी हसद है, चाहे उसके ज़वाल की तमन्ना करे ना करे। किसी को इज़्ज़त मिली आपको बुरा लगा, किसी को ओहदा मिला आपको बुरा लगा, कोई इंसान उसकी तिजारत तरक्की कर गई, दिल में तकलीफ़ हुई, आपको बुरा लगा। ये बुरा लगना, दिल में उसको नापसंद करना, कराहत, ये भी हसद में शामिल है। मुजर्रद कराहत, सिर्फ कराहत होना, उसको नापसंद करना कि उसको तरक्की हो, ये भी हसद है। चाहे ये तमन्ना करे न करे कि वो तरक्की उससे छीन ली जाए, तब भी ये हसद होता है। इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह तहक़ीक़ अन हसदा हुवल बुग़्द वल कराहतु लिमा यराहु मिन हुस्न हालिल महसूद। कहते हैं किसी इंसान से अगर उसका अच्छा हाल कोई आदमी देखता है, किसी भी अच्छे हाल में देखे, सेहत, माल, इज़्ज़त, ओहदा, तरक्की, उसका अच्छा हाल देखा और उसके अच्छे हाल को देखकर दिल में उससे नाराज़गी और कराहत, नापसंदीदगी पैदा हो जाए, ये भी हसद है। किसी की तरक्की को देख के बुरा मानना, नापसंद करना, ये भी हसद में आता है। इसको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया मजमूल फतावा जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 111। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल हसद मरकूज़ुन फ़ी तिबाइल बशर। यहाँ एक और बात भी जानना ज़रूरी है। कहते हैं कि वल हसद मरकूज़ुन फ़ी तिबाइल बशर, हसद इंसान की बशरियत में पैवस्त है। इंसान की फितरत में हसद करना, वह हमेशा चाहता है वो आगे रहे। यही वजह है कि इंसान दुनिया में और दीन के मामले में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कहते हैं कि वल हसद मरकूज़ुन फ़ी तिबाइल बशर, हसद इंसान की बशरियत में है, उसकी फितरत में है। वह हुआ अन्नल इंसान यकरहु अन यफूक़हु अहदुम मिन जिंसिही फ़ी शैइन मिनल फ़ज़ाइल। कहते हैं कि वो ये है कि एक इंसान इस बात को नापसंद करता है कि उसकी जिन से कोई शख्स फजीलत में उससे बढ़ जाए। डॉक्टर है तो डॉक्टर, टीचर है तो टीचर, ताजिर है तो ताजिर, या आलिम है तो आलिम, या कोई बादशाह है तो बादशाह। तो एक जिन्स के लोग, एक फील्ड के लोग, एक मैदान के लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि कोई दूसरा मुझसे आगे बढ़ जाए। ये इंसान की फितरत में होता है। एक बच्चे को भी अगर आप प्यार करते हैं तो दूसरे बच्चे को बुरा लगता है। घर में जब एक बच्चा होता है तो वो घर का राजा होता है, प्रिंस होता है एकदम। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है और माँ उससे मोहब्बत करती है तो इस बच्चे को इनसिक्योरिटी फील होती है कि अब मोहब्बत तकसीम होगी या अब मोहब्बत मेरी जगह शिफ्ट होगी और उसको मिलेगी। वो पसंद नहीं करता है इसको कि वो तवज्जुहात का मरकज़ न रहे। निकाह एक से दो हो जाते हैं, दूसरी बीवी पहली बीवी को तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो ये इंसान की फितरत में है, ये अच्छे लोगों में भी होता है। हाँ, उलमा ने ये बात कही कि ये दिल में आने के बाद इंसान इससे राज़ी ना हो, इंसान इसके तकाज़ों पर अमल ना करे, तब ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक मुजरिम नहीं है। वो दूसरे के लिए बुरा ना चाहे, वो दूसरे के लिए बुराई की चाहत ना करे, ज़वाल की चाहत ना करे, तो ऐसा इंसान मुजरिम नहीं है। लेकिन इसका दिल में वाक़े हो जाना, गोया जैसे वसवसा दिल में आता है, इस पर आदमी मुजरिम नहीं होता है। हाँ, उस ख्याल पर, उस चाहत पर राज़ी होना, ये इंसान को मुजरिम बनाता है। किसी इंसान की तरक्की पर दिल में इंसान को ठेस लगे, दिल को कि काश कि मुझको मिलता, या एक इंसान कहे कि उसको नहीं मुझे मिलता, तो ये दिल में ख्याल आ जाना जुर्म नहीं है। हाँ, इस ख्याल पर इंसान का राज़ी होना, इकरार करना इस पर, तो इससे आदमी मुजरिम बनता है। तो ये चीज़ याद रखें। वला कि मतअम्मदत कुलूबकुम, अल्लाह ने कहा कि लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही वला कि मतअम्मदत कुलूबकुम। तो इस पर तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं है कि तुम गलती से कुछ यानी ख़ता कर जाओ, यानी इंसान से अनजाने में ख़ता हो जाए, तो इस पर पकड़ नहीं है। वला कि मतअम्मदत कुलूबकुम, लेकिन तुम्हारे दिल अज़्म के साथ कोई काम करते हैं तो इस पर तुम्हारा मुआखज़ा हो सकता है। तो अमदन एक इंसान कोई काम करे जानते बूझते, अगर कोई दिल फैसला करे, इस पर इंसान की पकड़ होती है। तो हसद जो है इस कैफियत का नाम है कि इंसान उस पर राज़ी रहे। हाँ, लेकिन दिल में ख्याल आ जाना, इस पर कोई पकड़ नहीं है। जैसे बुरे से बुरा ख्याल इंसान के दिल में आ सकता है, चोरी का, कत्ल का, और न जाने कितने सारे ख्यालात आ सकते हैं। तो ये इस पर मुजरिम नहीं होता है। उस पर राज़ी होने से आदमी, उसका आज़म करना, पुख्ता इरादा कर लेना और उसी पर बाकी रहना, ये इंसान का जुर्म है। उससे रुजू कर लें तब भी वो माफ़ है। दिल में कोई बुरा इरादा आया लेकिन आदमी ने उस इरादे को छोड़ दिया अल्लाह की वजह से, अल्लाह के खौफ से, तब भी मुजरिम नहीं। उसी इरादे पर मर गया, कभी तौबा नहीं की, उससे रुजू नहीं किया, मुजरिम है। याद रखें। तो हसद दिल के बिगाड़ का नाम है, ये क़ल्बी आमाल में से है। फिर उस पर ज़ुबान और अमल भी शामिल हो जाए, वो ज़ायद बुराई है। लेकिन हसद बस दिल की सतह पर होता है। मालूम है कि बाज़ बुराइयाँ ऐसी हैं जो दिल ही दिल में इंसान के वाक़े होती हैं और इंसान को तबाह कर देती हैं। चाहे फिर ज़ुबान उसका साथ दे ना दे, चाहे हाथ और पाँव उसके मुताबिक चले ना चले, लेकिन दिल में ही आदमी गुनाहगार हो जाता है। तो बाज़ गुनाह क़ल्बी सतह पर होते हैं, जैसे निफाक है, क़ल्ब की सतह पर होता है, और इस तरह की बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तो जामिल उलूम वल हिकम में इब्न रजब रहिमहुल्लाह ने यह बात कही है कि एक इंसान की फितरत में होता है हसद। और हसद यह है कि इंसान अपनी बिरादरी या अपनी कैटेगरी के लोगों में पसंद नहीं करता कि कोई उससे ऊपर हो। इस कैफियत का नाम हसद है। तो ये चीज़ अगर आदमी इस पर राज़ी रहता है और किसी और के लिए जवाल की नीयत करता है या उस पर नापसंदीदगी का इजहार करता है, ये सारी चीज़ें बुरी हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने हदीस में देखा कि हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है, जैसे तिनकों को आग जलाकर ख़त्म कर देती है। हसद न सिर्फ इंसान की नेकियों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी दीनदारी को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है, जैसा कि यहूद के साथ हुआ। हसद में आकर एक इंसान दूसरों के ईमान से उनको कुफ्र की तरफ जाने पर भी तैयार हो जाता है। हसद से इंसान बहुत दूर निकल जाता है। हक़ वाज़े होने के बाद भी हक़ को कबूल नहीं करता है, हसद की वजह से कि किसी और को इज़्ज़त मिल जाए, नहीं मानता आदमी। तफसील हम देखेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़ारन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 109। अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत से अहले किताब इस बात की दिली चाहत रखते हैं, लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़ारन, कि तुम्हारे सहाबा तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें ईमान से फेर कर कुफ़ार बना दें। बहुत से अहले किताब, उनकी दिली तमन्ना यह है कि काश के ऐसा हो जाए कि सहाबा नऊज़ुबिल्ला ये मोमिन होने के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद फिर से वापस काफिर हो जाएं। पहले मुशरिकीन थे, ईमान नहीं था, वैसे ही वापस से मुर्तद हो जाएं, काफिर हो जाएं। क्यों ऐसा चाहत रखते हैं? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके अपनी दिली हसद की वजह से, उनके अपने दिली हसद की वजह से। मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, जबकि हक़ उन पर वाज़े हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, क़ुरान की हक़ानियत और इस्लाम की सदाकत उन पर वाज़े हो चुकी है। हक़ के वाज़े हो जाने के बाद भी महज अपने दिली हसद की वजह से वो ये चाहते हैं कि सहाबा ईमान लाने के बाद भी वापस काफिर हो जाए, ईमान उनका सल्ब हो जाए। यहाँ वो माना पाए जा रहे हैं कि कोई नेमत अगर किसी को मिली है, उस नेमत के ज़वाल की तमन्ना करना। जो ईमान सहाबा को मिला है वो ईमान इनसे छीन दिया जाए, वो ईमान उनसे सल्ब हो जाए। तो यहूद ये दिल ही दिल में तमन्ना करते थे। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि अरबों में कोई रसूल आए। रिसालत का मामला, नबूवत का मामला बनी इसराइल से निकलकर, यहूद से निकलकर अरबों में चला जाए। वो इसी बात को कभी गवारा नहीं करते थे। उनमें से रसूल हो, बनी इस्माइल में रसूल हो, यहूद में बनी इसहाक में रसूल ना हो, इनमें से आ जाए, वो नहीं पसंद करते थे। तो हमारी बिरादरी में से, हमारी कौम में से रसूल नहीं आया, बस इस वजह से वो इसको नहीं मानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार क्यों किया कि हमारी जो फ़ौक़ियत है, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अला आलमीन, हमारी जो फ़दीलत है सारे आलम पर, वो फ़दीलत छीन के कहाँ जा रही है? अब बनी इसराइल से, बनी इसहाक़ से निकल कर वो बनी इस्माइल में जा रही है। ये हम नहीं चाहेंगे। तो अगर इनको रसूल मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? रिसालत बनी इस्माइल में चली जाएगी। हम इसको कभी गवारा नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल ख़ुद भी नहीं किया, और अल्लाह ने ख़ुद उनके बारे में कहा, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, तुम तो पहले काफिर मत बनो। जो नहीं जानते, जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में हो या आपका इनकार करें तो ये एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पास तो पिछली किताबों की निशानियां हैं, तौरात और इंजील में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां हैं, हक़ तुम्हारे पास वाज़ेह हो चुका है कि वही रसूल है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन महज इस वजह से कि वो रसूल बनी इस्माइल में आया और बनी इसहाक़ में नहीं आया, और तुम अपनी फ़ौक़ियत के छीन लिए जाने के खौफ से तुम इस रसूल का इनकार करो, तुम पहले काफिर तो मत बनो, तुमको पहले ईमान वाला बनना चाहिए था। तो बनी इसराइल का कुफ्र, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही हसद था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में नस्सन इसको जिक्र किया है कि हक़ वाज़ेह हो गया, फिर भी महज हसद की वजह से वो खुद भी ईमान नहीं लाए और ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग ईमान लाएँ। मालूम है कि हसद इतनी बड़ी बीमारी है कि वो खुद इंसान को कबूलियत हक़ की कबूलियत में रुकावट बन जाता है। मज़ीद ये कि हसद इंसान को इस बात पर मजबूर करता है कि वो दूसरों के भी कुफ्र की चाहत करे, दूसरों के ईमान से फिर जाने की चाहत करे। वो ये चाहे कि मैंने हक़ नहीं माना ना, तो कोई नहीं माने, कोई और भी हक़ को ना माने, तो दूसरों के लिए भी ये तमन्ना करता है कि वो भी कुफ्र में, गुमराही में पड़े रहें। किस वजह से? हसद मिन इंद अनफुसिहिम, बस अपने हसद की वजह से। ये बहुत ही यानी ख़तरनाक आयत है। इससे मालूम होता है कि हसद इंसान को न सिर्फ ये कि बेदीनी तक ले जाता है, न सिर्फ ये कि उसकी नेकियां ख़त्म करता है, हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है, हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में और जगह भी इसका जिक्र किया। सूरह निसा में अगर आप देखें तफसील उसकी, देखें आप, तफसील से वक्त नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 54 में अल्लाह ने कहा, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाहु मिन फदलिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, कि क्या ये लोगों से इस बुनियाद पर हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल में से अता कर दिया। अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अपने फ़ज़ल से खैर अता की, एक ऐसा दीन दिया जिसके लिए क़यामत तक के लिए बका है, दीन कामिल है, ऐसा उम्दा दीन अल्लाह ने दिया। इस पर वह हसद करते हैं। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने तो इनसे पहले आल इब्राहीम को किताब व हिकमत अता की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और भी, तो हमने आल इब्राहीम को इनसे पहले किताब व हिकमत दी, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और इनको हमने अज़ीम शान बादशाहत भी दी थी। हज़रत सुलेमान को कैसी बादशाहत दी, हज़रत दाऊद को कैसी बादशाहत दी। तो ये क्यों हसद करते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने नबूवत दी और इनको अल्लाह ने हुकूमत दी, क्यों हसद कर रहे हैं यहूद? इससे पहले भी तो अल्लाह ने दिया है, जो यहूदियों में से नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी यहूद का या बनी इसराइल का हसद कुरान में ज़िक्र किया, और वह हसद करते थे कि सहाबा को वो चीज़ ना मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ ना मिले, इस पर हसद करते थे। हसद के बारे में मज़ीद ये बात, जैसे मैंने पिछले इसमें आयत के ज़िमन में ज़िक्र किया कि इंसान को हसद कुफ्र तक ले जाता है। हसद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यज्तमिआनि फ़ी क़ल्बि अब्दिन अल ईमानु वल हसद। इमाम अहमद, नसई और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। सही अलजाम सगीर हदीस नंबर 7620 हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि एक बंदे के दिल में, दिल तो एक ही इंसान का, बंदे के दिल में एक बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। या तो अगर ईमान सच्चा है तो हसद को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हसद क्यों करे भाई किसी से? अल्लाह किसी को खैर दे रहा तो ये क्यों उसके ऊपर जले, ये क्यों परेशान, अल्लाह के फैसले पे ये नाराज क्यों हो? हसद यही है कि एक इंसान, अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी, ये उसको बुरा मान रहा है। तो मोमिन क्या अल्लाह के फैसले पर ऐब लगाता है? क्या एक मोमिन अल्लाह के फैसले पर नाराज़ होता है? क्या एक मोमिन इस बात को पसंद नहीं करता कि अल्लाह ने किसी को चुना तो ये उसको नापसंद करे? अल्लाह के फैसलों में हिकमत को नहीं मानता है मोमिन, मानता है। तो हसद एक बुराई है जो ईमान का बिगाड़ है। ईमान अगर वाकई सच्चा है, अपनी सारी खैर के साथ ईमान, अपने सारे समरात के साथ अगर दिल में इंसान के आ जाए तो वह हसद को निकाल देता है। लेकिन अगर ईमान कमज़ोर है और हसद उसका ज़्यादा ताकतवर है, वह अपनी चाहत को अल्लाह के फ़ैसलों पर तरजीह देने वाला इंसान है, मुझको पसंद नहीं तो बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे अल्लाह को पसंद हो, ऐसे दिल वाला अगर ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान है जिसके खून में हसद सरायत कर चुका हो, तो ऐसा जो आदमी है, ऐसे आदमी का हसद उसके दिल से ईमान को खारिज कर देता है। ऐसा इंसान अपने हसद में आकर यहूद की तरह हक का इनकार करने वाला, अल्लाह के फैसलों में ऐब निकालने वाला बन जाता है और ईमान से महरूम हो जाता है, कुफ्र में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, बंदे के दिल में दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती हैं, यानी एक होगा तो दूसरा निकल जाएगा। अगर ईमान वाकई हकीकत के साथ है, हसद को निकाल देगा। लेकिन अगर हसद अगर ज़्यादा मजबूत है, ईमान कमज़ोर है, तो बहुत मुमकिन है कि यह हसद उसके दिल से ईमान को निकाल दे। दोनों जमा नहीं होते हैं, एक दूसरे को निकाल देता है। तो कहा कि किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते हैं। अबुल आली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के इस फरमान, खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, मज़ीद तफसील उसकी देखने की ज़रूरत नहीं, आयत को हमने समझ लिया है। ज़ुबैर इब्न अवाम कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम। पिछली उम्मतों में एक बीमारी थी, या पिछली उम्मतों में बाज़ बीमारियाँ थी, वो चुपके तुम्हारे अंदर भी आ गई है। बाज़ बीमारियाँ इतनी खामोशी से आती हैं कि इंसान को एहसास भी नहीं होता है। कहा कि दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, पिछली उम्मतों में कुछ बीमारियाँ थीं, तुम में भी वो चुपके आ गई हैं। अल हसद वल बग़दा, दो बीमारियाँ हैं, हसद और बुग़्ज़। बुग़्ज़ किसको कहते हैं? दिल में दुश्मनी पालना। हसद आप देख चुके हैं, किसी के खैर पर नाराज़ होना या उसके ज़वाल की तमन्ना करना। कहते हैं कि अल हसद वल बग़दा, दो बीमारियाँ तुम्हारे अंदर आई हैं, एक किसी की तरक्की पर जलना, किसी की खैर पर जलना, दूसरा बुग़्ज़, दिल ही दिल में उसके लिए नफ़रत और दुश्मनी पालते रहना कि कभी मौका मिलेगा तो बदला लूँगा, कभी मौका मिलेगा तो चाल चलूँगा। आदमी दिल ही दिल में दुश्मनी संभाल के रखे, तो अल हसद वल बग़दा। और आपने कहा वल बग़दाउ हियल हालिक़ा, और ये जो बुग़्ज़ है ये मूंढने वाली चीज़ है। जैसे सर मुड़ा जाता है, साफ कर दिया जाता उस तरह से। कहा कि वल बग़दाउ हियल हालिक़ा, ये जो बुग़्ज़ है इंसान के लिए तहलीक करने वाली, मूंढ देने वाली चीज़ है, साफ कर देती है। क्या? ला अक़ूलु तहलिक़ु शअर, मैं ये नहीं कहता कि दुश्मनी, अंदरूनी दुश्मनियाँ आदमी के बालों को मूंढती हैं, वलाकिन तहलिक़ु दीन, बल्कि ये जो बुग़्ज़ अदावत है ये आदमी के दीन को मूंढ देती है, जैसे आदमी के बालों को उस तरह मूंढ देता है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तदख़ुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और वाकई ईमान वाले भी तुम नहीं हो सकते जब तक कि तुम बाहम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। अफला उनब्बिउकुम बिमा युसब्बितु ज़ालिका लकुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊं कि अगर तुम उसका अहतमाम करने लगो तो ये चीज़ तुम्हारे कल्ब में पैवस्त हो जाए, आपसी मोहब्बत और ईमान, तुम्हारा ईमान वाकई पुख्ता हो जाए, तुम्हारे अंदर आपसी मोहब्बत पुख्तगी पाले। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को सलाम करने लगो, आपस में सलाम को आम करो, सलाम को आम करो सिर्फ अल्फाज में नहीं, उसकी हकीकत के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें हसद का खात्मा है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो, हसद में नहीं होता है, सलामत ना रहो तुम। और व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, और व बरकातुहू, जो भी खैर अल्लाह ने तुमको दी है अल्लाह उसमें बरकत दे। हसद के बिल्कुल ये क्या है, उल्टा है। हसद में तो इंसान दूसरे की सलामती नहीं, तकलीफ़ चाहता है, मुसीबत चाहता है, रहमत नहीं ज़हमत उसके लिए चाहता है, और उसके लिए बरकत नहीं बल्कि क़िल्लत, बल्कि उसके लिए महरूमी चाहता है। जब आदमी सच्चे दिल से किसी को सलाम करने वाला बन जाता है तो उसके दिल में हसद हो ही नहीं सकता है। वो तो खैर खा हो गया, वो तो उसकी सलामती और बरकत और रहमत उसके लिए चाहता है। तो कहा कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। इस हदीस से दोनों बातें मालूम होती हैं, मर्ज़ की यानी संगीनी और उसका इलाज। मर्ज़ की संगीनी क्या है कि आदमी का दीन हसद और बुग़्ज़ मोड़ देता है, ख़ास तौर से बुग़्ज़ जो आपसी दुश्मनियाँ होती हैं, क्योंकि उसके नतीजे में सारी चालबाजियाँ भी जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ आदमी के दीन को ख़त्म कर देती है। इमाम तिर्मिदी ने इस हदीस को रिवायत किया है और सुनन तिर्मिदी में 2510 पर यह हदीस मौजूद है और शेख अलबानी कहते हैं कि यह हदीस हसन है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि अल हसदु अव्वलु ज़म्बिन उसियल्लाहु बिही फ़िस्समा, कहते हैं कि सबसे पहला गुनाह जो आसमान में हुआ वो हसद ही तो है। अल्लाह की नाफरमानी के कामों में से पहला काम जो हुआ आसमान में वो हसद था। वह अव्वलु ज़म्बिन उसिया बिही फ़िल अर्द, और ज़मीन में भी सबसे पहला गुनाह जो हुआ वो यही हसद था। आसमान में पहला गुनाह, ज़मीन में पहला गुनाह क्या था, हसद। फ़अम्मा फ़िस्समाइ फ़हसदु इबलीस अली आदम, पहला गुनाह जो आसमान में हुआ इबलीस का आदम के लिए हसद करना। उसकी इनसिक्योरिटी थी जो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु। जब आदमी कमतरी का एहसास होता है तब अपनी वाक़ियत ज़्यादा बताने की कोशिश करता, नहीं मैं उससे बड़ा हूँ, अपनी बड़ाई बयान करता है। तो कहा कि फ़अम्मा फ़िस्समा, आसमान में जो गुनाह हुआ, फ़हसदु इबलीस अली आदम, आदम से इबलीस का हसद। व अम्मा फ़िल अर्दी फ़हसदु काबिल अली हाबील, और ज़मीन में जो हसद था वो काबिल का हाबील के लिए। दोनों ने क़ुरबानी पेश की, अल्लाह ने एक की कबूल की दूसरे की नहीं, क्योंकि तकवा की किल्लत की वजह से अल्लाह ने उसको शर्फ़ कबूलियत नहीं बख्शा। काबिल कातिल था, काफ वाला याद रखिए। तो हाबील की अल्लाह ने क़ुरबानी कबूल की और काबिल की नहीं। उसने उसका तफसील आप कुरान करीम में उसका वाक़या देख सकते, कभी इंशाअल्लाह तफसील उसको ज़िक्र भी किया जा सकता है। तो काबिल ने हसद करके हाबील को कत्ल कर दिया, और ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये तफसीर कुर्तुबी में सूरह निसा के आयत नंबर 54 में इमाम कुर्तुबी ने कहा कि आसमान में पहला गुनाह, ज़मीन में पहला गुनाह यही हसद था, और इसी के नतीजे में कुफ्र भी वजूद में आया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, इबलीस, और इसी के नतीजे में जुल्म और कत्ल भी वजूद में आया, जैसा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। तो कुफ्र और जुल्म, जाहिर बात है कुफ्र भी जो है अल्लाह ही के हक़ में जुल्म है। तो अल्लाह के हक़ में जुल्म और बंदों के हक़ में जुल्म, ये हसद का नतीजा होता है। इस पूरी गुफ्तगू से बात सामने आती है। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहुवा काना ज़म्ब इबलीस हैतु काना हसद आदम अलैहिस्सलाम, इबलीस का जुर्म हसद था जबकि उसने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। लम्मा रआहु क़द फ़ाक़ अलल मलाइका, जब इबलीस ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों पर भी फ़ौक़ियत पाई, खुसूसी इल्म के ज़रिए से जो अल्लाह ने उनको अस्मा का इल्म दिया। बेअन खलक़हुल्लाहु बियदिही, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से पैदा किया। खलक़तु बियदैया, अपने दोनों हाथों से अल्लाह ने कहा कि मैंने उसको पैदा किया। तो अल्लाह ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। व अस्जद लहु मलाइकतहु, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। वअल्लमहु अस्मा कुल्लि शै, और अपनी तरफ से अल्लाह ने सारे नामों का इल्म दिया, सारी चीज़ों के नाम उनको सिखा दिए। वह अस्कनहु फी जिवारिही, और जन्नत में अपने करीब ही उन्हें बसाया। आदम अलैहिस्सलाम को क्या फजीलत दी कि उन्हें अपने दोनों हाथों से बनाया, फरिश्तों को सजदा करवाया, ख़ास इल्म अता किया अस्मा का, और अपने करीब बसाया जन्नत में। चारों चीज़ों में फजीलत दी। फमा ज़ाला यसअ फी इखराजिही मिनल जन्नति हत्ता उखरिज मिनहा। इब्लीस जब से उसने ये देखा, मुसलसल इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह से उनसे ये फजीलत छीन जाए और उन्हें जन्नत से निकलवा दे, और उसने वो किया। आखिरकार उसने जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को चालबाजी करके निकलवा दिया। तो यहाँ ये बात मालूम हुई कि ये इब्लीस की सिफ़ात में से है, हसद इब्लीस की सिफ़ात में से है, हसद यानी यहूद की सिफ़ात में से है। हसद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा लम यतहसदू। इमाम अत्तबरानी ने अल-कबीर में इसको रिवायत किया है। सही तरगीब हदीस नंबर 2887 और हदीस हसन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोग मुसलसल खैर पर रहते हैं जब तक कि आपस में एक दूसरे से हसद न करें। मालूम है कि जब लोग आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं तो खैर उठा ली जाती है समाज से। जब समाज में लोग एक दूसरे का भला चाहने वाले हों तो समाज खैर होता है, खैर ख्वाही से खैर आती है और हसद से खैर उठा ली जाती है। वो समाज कभी फलाह नहीं पा सकता जिसके अफराद एक दूसरे से हसद करने वाले हों। अल्लाह के नबी यहाँ एक बात याद रखने की है कि एक है एक इंसान दूसरे से खैर के ज़ायल होने की तमन्ना करे, ये बुरा है। हाँ, अगर किसी और को अल्लाह ने कोई खैर दी, अगर ये भी चाहत रखे कि मुझे भी मिल जाए तो ये हसद नहीं है। इसको मुबालगे में हसद कहा जा सकता है, लेकिन ये हसद हकीकी तौर पर नहीं जिसकी बुराई हदीसों में आई है, जिसकी बुराई कुरान में आई। इसको अरबी ज़ुबान में गिबता कहते हैं, या हमारे यहाँ उर्दू में उसको रश करना कहते हैं। आह, अल्लाह ने उसको दिया, मुझे भी मिलता तो कितना अच्छा होता है। तो किसी और की खैर को देख कर अपने लिए भी उसकी तमन्ना करना ये बुरा नहीं है। हाँ, उस पर बुरा महसूस करना और उससे उसके ज़ायल होने की तमन्ना करना ये बुरा है और ये हसद है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या दलील है। और इस बारे में अक्सर गलत फहमी लोगों को होती है हदीस से कि ला हसद इल्ला फित्नतैन, दो ही लोगों में हसद है। हदीस के क्या माना है आइए देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हसद इल्ला फित्नतैन, हसद दो ही लोगों में होता है। और रजुलन अल्लमहुल्लाहुल कुरान, एक तो वो शख्स है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान सिखाया, कुरान का इल्म दिया। फ़हुव यतलूहु आना अल्लैल व आना अन्नहार, और इस कुरान को पाने के बाद उसका हाल यह है कि वो रात दिन मुख्तलिफ औकात में कुरान पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है। फ़समिअहु जारुल्लहु, उसके पड़ोसी ने उसके पढ़ने को सुना। फ़क़ाल लैतनी ऊतीतु मिस्ल मा ऊतिया फ़ुलान, तो पड़ोसी ने क्या कहा, काश कि इसको जो अल्लाह ने दिया है मुझे भी मिलता। फ़अमिलतु मिस्ल मा यामल, तो मैं भी वो अमल करता जो ये कर रहा है, जिसे रात दिन ये पढ़ता है कुरान। पड़ोसी को सुनने आती है उसकी आवाज़ कुरान की, कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है, कुरान का हिफ्ज़ भी उसके पास है और कुरान पढ़ता भी अच्छा है, तजवीद भी है और हिफ्ज़ भी है। तो कुरान का इल्म अल्लाह ने उसको दिया, वो पढ़ता है आवाज़ से। पड़ोसी को जब आवाज़ पहुँचती है तो पड़ोसी तमन्ना करता है काश कि मुझे भी ये कुरान मिलता तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता। वरजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुव युहलिकुहु फिल हक, दूसरा वो आदमी है जिसे अल्लाह ताला ने खूब माल दिया तो उस माल को वो हक में हलाक करता है, यानी उस माल को वो खैर के कामों में गोया कि लुटा देता है। फ़क़ाल रजुलन, उसको देख कर कोई शख्स कहता है लैतनी ऊतीतु मिस्ल मा ऊतिया फ़ुलान, काश के मुझे भी ये मिलता जो उसको मिला है। फ़अमिलतु मिस्ल मा यामल, तो मैं भी वैसे ही इसको दूसरों पर लुटाता, मैं भी वही करता जो ये कर रहा है। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी ने सही बुखारी में फ़दाइलुल कुरान में रिवायत किया है, हदीस नंबर 5026। इस हदीस से मालूम होता है कि यहाँ हसद से मुराद ये नहीं कि अल्लाह उससे वो चीज़ छीन ले। यहाँ हसद से मुराद ये है कि अल्लाह मुझको भी वो दे दे। तो इस तरह का हसद अगर किसी के अंदर है तो ये मज़मूम नहीं है। किसी की तरक्की को देख के इसे ऐसा लगे कि काश इसे अपनी महरूमी की तकलीफ़ हो, उसके पाने की तकलीफ़ ना हो। याद रखें इसको कि उसको नेमत मिली इसकी तकलीफ़ ना हो, उसको मिली और मुझको नहीं मिली इसकी तकलीफ़ अगर होती है तो ये बुरा नहीं है। फिर उसके बाद वो ये तमन्ना करे कि अल्लाह मुझे भी दे दे जैसा उसको दिया, तो ये बुरा नहीं है। काश कि मुझे मिल जाता जैसे उसको मिला है, ये बुरा नहीं है। तो ऐसा हसद बुरा नहीं है, इसको मुबालगे के तौर पर हसद कहा गया, वरना फ़ी नफ्स ही ये गिफ्ता उसको उलमा ने कहा है, ये रश्क है, ये हसद नहीं है। और अगर हसद कहा जाए तो फिर इस नौयत का है कि अपनी महरूमी पर तकलीफ़ हो। और इसी तरह से आखिरत की नेमतों में यानी एक इंसान दूसरों पर फ़ौक़ीत की तमन्ना करे, ये भी बुरा नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत की बहुत सारी नेमतें ज़िक्र की और कहा वो फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ये वो नेमतें हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो खैर है जिसमें आपस में तनाफ़ुस करने वालों को तनाफ़ुस करना चाहिए। यानी एक दूसरे से फ़ौक़ीत की कोशिश कि उसकी बजाय मुझे मिले, मैं उससे आगे बढ़कर ये हासिल कर लूँ जन्नत के दर्जात। तो एक दूसरे पर फ़ौक़ीत की जो चाहत है ये आखिरत के एतबार से बुरी नहीं है। कि अगर कोई आदमी कम्पीट करता है किसी से जन्नत के दर्जात में, कोई एक चीज़ है जो मुझे मिल जाए, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है कि नेकी मैं कर लूँ उससे पहले। जैसे सफ़ है, मिसाल के तौर पर पहली सफ़ है, अब आदमी देख रहा है कि एक जगह उसमें है एक आदमी की और दो बढ़ रहे हैं, अब एक आदमी अगर आगे बढ़ के मुझे मिले उसे नहीं, तो ये बुरा नहीं है। नेकियों में, खैर के कामों में, आखिरत के दर्जात में अगर कोई आदमी इस तरह से करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सूरह अल-मुतफ्फिफीन में अल्लाह ताला ने बात कही है। हसद का इलाज क्या है, बहुत तफसील से इसमें जिक्र करने की वजह एक ही बात अगर याद रखें तो काफ़ी होगा। अल्लाह जैसे एक बात तो पहले हमने देखी, सलाम को आम करो, यानी सलाम की हकीकत के साथ आदमी सलाम करे, लोगों का खैर खा बन जाए। और एक चीज़ उसमें यह है, अल्लामा मावर्दी कहते हैं वक़ाल बअदुल हुकमा, बाज़ हुकमा ने जिन्हें अल्लाह ने हिकमत से नवाजा, उनका कहना है मन रज़िया बिक़दाइल्लाहि तआला लम यसख़तहु अहद व मन क़नअ बिअताइहि लम यदख़ुलहु हसद। अदबुद्दीन व दुनिया में अल्लामा मावर्दी कहते हैं सफ़ा नंबर 269 पर बहुत ही प्यारी बात उन्होंने कही। कहते हैं मन रज़िया बिक़दाइल्लाह, जो आदमी अल्लाह की तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, जो फ़ैसला अल्लाह ने कर दिया उस पर राज़ी हो जाए, किसी को गरीब बनाए, किसी को अमीर, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, किसी को सेहतमंद, किसी को कमज़ोर, बीमार। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ हालात में रखा, ये अल्लाह का फ़ैसला है। किसका फ़ैसला है ये? अल्लाह का फ़ैसला है। मर्रज़िया बिक़दाइल्लाह, जो अल्लाह की क़दा पर, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, लम यसख़तहु अहदुन, लम यसख़तहु अहदुन, उस पर कोई गुस्सा नहीं हो सकता या वो किसी पर गुस्सा नहीं हो सकता है। लम यसख़तहु अहदुन, उस पर कोई नाराज़ नहीं होता है। क्यों? इसलिए वो किसी से कम्पीट करता ही नहीं है, किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो राज़ी हो गया है। तो अब वो कोई ऐसा काम नहीं करता है कि कोई दूसरा उससे नाराज़ हो। वमन क़नअ बिअताइहि लम यदख़ुलहु हसद, और कहते हैं कि जो आदमी अल्लाह ने जो कुछ उसका अता किया है उस पर क़नाअत कर ले, उस पर अल्लाह की शिकायत न करे और अल्लाह ताला से नाराज़ ना हो, बल्कि काने रहे, अल्लाह ने जो भी दिया बहुत दिया। अगर उसकी कैफियत ये है, कहते हैं कि लम यदख़ुलहु हसद, उसके दिल में हसद आता नहीं है, उसके दिल में हसद नहीं आता, दाखिल नहीं हो सकता। तो ये बात मालूम हुई कि एक इंसान क़नाअत और अर्रिदा बिलक़दा अगर उसके अंदर आ जाए तो ऐसे इंसान का दिल हसद से महफूज हो जाता है। तो ये हदीस हमने देखी कि हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है, बल्कि हमने उससे आगे बढ़कर देखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि हसद इंसान के ईमान को भी खा जाता है। तो इस एतबार से हदीस तो ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो कहीं न कहीं उसकी तफसील में अगर हम जाएँ तो मालूम होता है कि बात अपनी जगह वज़न रखती है कि हसद इंसान की दीनदारी के लिए मुज़िर है। इस माना में बात अपनी जगह दुरुस्त है। आइए हम अब दूसरी हदीस देखते हैं जो एक दूसरी बुराई से मुतालिक है। वह है गुस्से में आकर कदम उठा लेना, गुस्से में लोगों पर जुल्म करना, गुस्सा आकर बुराइयाँ बकने लग जाना या गलत काम करना। तो गुस्से की बुराई एक दूसरी हदीस से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हदीस के अल्फाज हैं व अन्हु, इब्न हजर कहते हैं व अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शदीदु बिस्सुरअह इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। मुत्तफ़क़ुन अलैह। कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो किसी दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि वाकई पहलवान वो है, वाकई मजबूत और ताकतवर आदमी वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू रखे। बहुत प्यारी हदीस है और यानी बहुत ही जामे हदीस है और इसमें बहुत ही ऊंची बात यानी इंसान के बारे में कही गई है कि पहलवान या बहादुर या मजबूत या कवी आदमी वो नहीं है जो जिस्मानी एतबार से किसी और को पछाड़ दे कुश्ती में, बल्कि वाकई ताकतवर आदमी वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, अपने ऊपर काबू पाए। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। आइए इसकी तफसील देखते हैं। सबसे पहले कि ये गुस्सा है क्या। इब्न फारिस कहते हैं गदबा अलगैन वद्दाद वल्बा अस्लुन सहीह यदुल्लु अला शिद्दतिन वक़ुव्वा। कहते हैं कि गुस्सा अरबी ज़ुबान में इसके माना होते हैं शिद्दत और क़ुव्वत के, शिद्दत और क़ुव्वत के, सख्ती के माना में गुस्सा आता है, शदीद है, कवी है। इसको गुस्सा, गुस्से असल उसकी ये है। युक़ालु इन्नल गदबा अस्सखरतु सुल्बा, सख्त चट्टान को गदबा अरबी ज़ुबान में कहते हैं, दाद के जज्म के साथ। अलगदबा उस चट्टान को कहते हैं जो बड़ी सख्त हो। वक़ाल कहते हैं क़ाल व मिन्हु उश्तुक्कल गदब, और इसी से सख्त चट्टान, इसी से लफ्ज़ गदब लिया गया है सख्ती की वजह से। कहते लिअन्नहु इश्तिदादुस्सुख्ती, इसलिए कि ये नाराज़गी और नापसंदीदगी की शिद्दत को कहते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद, गुस्सा है क्या, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो जो नापसंदीदगी अंदर की थी वो पूरी उबल के बाहर आती है और आदमी कुछ ना कुछ कर बैठता है, खून खौलने लगता है और आदमी का जो है चेहरे का रंग बदल जाता है और पूरे उसके हाथ पाँव में जो है एकदम क़ुव्वत पैदा हो जाती है, एकदम आदमी कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। ये जो कैफियत होती है इस हैजान का नाम गज़ब है, इसको गुस्सा कहते हैं। वो शुरू अंदर से होती है, शुरू होती है नापसंदीदा चीज़ से, कोई चीज़ पसंद नहीं, छोटी मोटी चीज़ नापसंद हो तो आदमी नज़रअंदाज भी कर देता है, लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आदमी को सख्त नापसंद हो तब जाकर इंसान को गुस्सा आता है, और ये जो सख्ती है ये बढ़ते बढ़ते इंसान को जुल्म तक भी ले जाती है। तो गुस्सा इस सख्ती को कहते हैं, नापसंदीदगी की सख्ती, ये गुस्सा है, शिद्दत गुस्सा है। लेकिन गुस्सा फ़ी नफ्सी ही बुरा नहीं है। अगर फ़ी नफ्सी खुद ही यानी गुस्सा बुरा होता तो अल्लाह ताला गुस्से वाला नहीं होता। अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त गदब भी है, गुस्सा होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम्मा क़द अल्लाहुल ख़ल्क़ कतब फ़ी किताबिही फ़हुव इंदहु फ़ौक़ल अर्श इन रहमती ग़लबत ग़दबी। इमाम अल-बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। बुखारी ने बदउल ख़ल्क़ में और इमाम मुस्लिम ने किताब तौबा में, बुखारी में हदीस नंबर 3194 पर यह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया और उसका फ़ैसला हो गया, ख़त्म हो गया, तख्लीक ख़त्म हो गई, यानी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा कर दिया। कतब फ़ी किताबिही, अल्लाह ने अपने पास एक किताब में लिखा, फ़हुव इंदहु फ़ौक़ल अर्श, जो कि उसके पास अर्श पर है। अल्लाह ताला ने ये लिखा और जो कि लिखा हुआ अल्लाह के पास अर्श पर मौजूद है। इन रहमती गलबत गदबी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। इससे मालूम होता है कि गज़ब भी अल्लाह की सिफ़ात में से है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपनी गज़ब पर गालिब रखा है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब रहेगी। इसी की एक मिसाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है, बल्कि अपनी तरफ से भी माफ़ कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है अपनी तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला नेकियों को नहीं मिटाता और नेकियों को कई गुना करके देता है। गुनाह पर उतनी ही सज़ा देता है जितना गलती बंदा करता है, लेकिन नेकियों पर अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के सवाब और नेमतें अता करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये उसके यानी असरात में से और समरात में से है, नताइज में से है। और आप देखें सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने पहले अपनी रहमत का ज़िक्र किया अर्रहमान अर्रहीम, और उसके बाद कहा मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन अल्लाह के इंसाफ की तरफ इशारा है, जिसमें इनाम के साथ साथ सज़ा भी है। क़यामत का दिन बदले का दिन है, जिसमें नेक लोगों को इनाम मिलेगा, बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का ज़िक्र किया कि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ी रहम करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत सबकत ले गई अल्लाह के गुस्से पर। तो मालूम है कि गुस्सा अल्लाह की सिफ़ात में से, गैर मग़दूब अलैहिम वला ज़ालिमीन में भी इस तरफ इशारा है। तो गुस्सा फ़ी नफ़सी बुरा नहीं है। बुरा क्या है? बुरा यह है कि इंसान गुस्सा ऐसी चीज़ पर करे जिस पर नहीं करना चाहिए, और बुरा यह है कि इंसान गुस्से में आकर ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए। याद रखें इसको, गुस्से में बुरा क्या है? दो बातें, ऐसी चीज़ पर गुस्सा हो जिस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि गुस्सा आने के बाद ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए। मसलन आपने भी इम्तहान दिया, किसी और ने भी इम्तहान दिया, इम्तहान में आप चाहते थे कि आप पहला नंबर आए, दूसरे का पहला नंबर आ गया, उसने मेहनत की, आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लिए। आपने भी दुकान खोली, किसी और ने भी, और आपको भी मिला और उसको भी मिला, उसकी भी तिजारत चली, आपकी भी, लेकिन उसको आपसे ज़्यादा मिला और आप उस पर गुस्सा हो गए, कैसे उसको ज़्यादा मिल गया। तो किसी ऐसी, आपको कोई हक़ नहीं, अल्लाह ने सबका रिस्क लिखा है, जिसको मिलना था मिल गया, उसको जितना मिलना था उसको दिया, तुमको जितना देना था आपको दिया। अब यहाँ पर इस पर गुस्सा होना ये बुरा है, इस पर गुस्सा होना ये बुरा है। इसी तरह से गुस्सा आने के बाद किसी पर जुल्म कर देना ये बुरा है। गुस्सा आने के बाद करना क्या चाहिए? गुस्सा पी जाना चाहिए। तो यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मनिस्तुग़ज़िबा फ़लम यग़ज़ब फ़हुवा हिमार व मनिस्तुर्दिया फ़लम यर्दा फ़हुवा शैतान। जिसको गुस्सा दिलाने के बावजूद भी गुस्सा ना आए वो गधा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुस्सा आने की बात पर भी जिसे गुस्सा ना आए वो गधा है, और जिसको मनाने के बाद भी जो ना माने वो शैतान है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी गलत काम देख रहा है, उसका बेटा है, सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है, उस पर गुस्सा आना चाहिए था। क्यों? शरीयत का हुक्म तोड़ा, अल्लाह का हुक्म तोड़ा, एक हराम चीज़ का इर्तिकाब कर रहा है। उसके सामने बेटी बेपर्दा दोस्तों के साथ बैठे गप्पे लड़ा रही है और वो देख रहा है, उस पर लाइव चैटिंग में देख रहा है उसको। तो ऐसा उसको गुस्सा नहीं आ रहे, गधा है ये, बेगैरत आदमी है ये बेगैरत आदमी है। बेपर्दा बेटी पर उसको गुस्सा नहीं, और बेटा जो है हराम कारियां कर रहा है उस पर गुस्सा नहीं आता है। तो ये आदमी क्या है, इसको शऊर नहीं है, वो गधे की तरह है जिसे खैर और शर की तमीज़ नहीं है। एक इंसान को जिसको खैर और शर की तमीज़ हो, अच्छाई को अच्छाई मानता है, बुराई को बुराई मानता है, अच्छाई को पसंद करता है, बुराई को पसंद नहीं करता है, जितनी बड़ी बुराई हो उतना ज़्यादा उसको नापसंद करता है, ऐसे आदमी को बुराई पर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर फिर भी गुस्सा ना आए, ऐसा आदमी गधे की तरह है जिसे अल्लाह ने यानी उस पर किताब रखी जाए फिर भी किताब लदी हुई उसके ऊपर और उसको कोई इल्म ना हो, ऐसा आदमी ये बुरी मिसाल उसकी है। लेकिन जिसको किसी से गलती हो गई, किसी ने बदतमीज़ी कर दी, बुरा लगा, किसी ने तोहमत लगा दी, बुरा लगा, लेकिन बाद में उसने कहा भाई माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब ये मानता नहीं है। उसकी माफ़ी मांगने के बाद भी ये माफ़ नहीं करता है, मनाने के बाद भी मानता नहीं है। तो ये क्या है? ये शैतान है। क्यों? शैतान की सिफ़ात में से कि अड़ा रहा हो, एक बार जब उसने कहा मैं सद्दा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटा। गलती अल्लाह ने उसको बताने के बाद भी अपनी गलती का इकरार नहीं किया, बस अपने रास्ते पर कायम रहा, नहीं तो नहीं। तो जो जिद पर अड़ जाए वो शैतान के रास्ते पर है। तो ये इमाम शाफी का कौल है जिसको इमाम अज़हबी ने सीर आलम नुबला में जिल्द 8 सफ़ा नंबर 251 पर जिक्र किया है। जिल्द 8 सफ़ा नंबर 251। गुस्सा क्या अच्छा भी हो सकता है, अच्छा गुस्सा क्या है और बुरा गुस्सा क्या है। शरीयत की पामाली पर गुस्सा होना, अल्लाह के हुक्म टूटने पर गुस्सा होना अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं, वक्त कितना है, 50 तक है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, दखल अलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। वफ़िल बैति क़िरामुन फ़ीही सुवर, और मेरे घर में एक पर्दा था उस पर कुछ तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें जो शरीयत में मना है। तो उस पर तस्वीरें बनी हुई थी जानदारों की या सलीब की या कुछ और तस्वीर होगी। कहा कि फ़तलव्वन वजहुहु थुम्म तनावल अस्सित्रा फ़हतकहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आपके चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हो गए, बहुत गुस्सा हुए आप। फ़तलव्वन वजहुहु, आपके चेहरे का रंग बदल गया। सुम्म तनावल सित्र फ़हतकहु, आपने वो पर्दा लिया और उसे फाड़ दिया। गुस्से से आपने क्या किया, तस्वीरों वाला, जानदारों की तस्वीर वाला पर्दा लिया और उसे फाड़ दिया। वक़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने फाड़ के उसके बाद कहा, इन्ना मिन अशद्दिन्नास अदाबन यौमल क़ियामह अल्लज़ीना युसव्विरून हाज़िही सुवर, क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब जिन लोगों को होगा वो यही लोग हैं जो तस्वीरें बनाते हैं, जानदारों की तस्वीरें बनाते हैं या हराम तस्वीरें, शिरकिया तस्वीरें बनाते हैं। तो क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा जिनको अजाब होगा सख्त, वो ये तस्वीर बनाने वाले हैं। और आपने गुस्से से फाड़, आपने अपने घर में एक मुनकर देखा, आपको गुस्सा आया और आपने उसके मुताबिक अमल किया, उस मुनकर को ज़ायल कर दिया, हटा दिया, ख़त्म कर दिया उसको। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, और ये किताबुल अदब में हदीस नंबर 6109 पर, बुखारी में और मुस्लिम में 2107 पर यह हदीस मौजूद है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्सा होते थे, किस चीज़ पर, उस चीज़ पर जो अल्लाह को पसंद नहीं। बुराई पर गुस्सा होना बुरा नहीं, भलाई पर गुस्सा होना बुरा है, इसे याद रखिए इसको। बुराई पर गुस्सा होना बुरा नहीं है, बुराई पर गुस्सा होना अच्छा है, अच्छाई पर गुस्सा होना बुरा है, इसको याद रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर नाक गुस्सा क्या है, गलत गुस्सा, बुरा गुस्सा क्या है। जैसे मुनाफिकीन यानी सहाबा की तरक्की पर, मुसलमानों की कामयाबी पर, गलबे पर या दीनदारी पर, भलाइयों पर गुस्सा होते थे। अल्लाह ने उनके बारे में जिक्र किया तो कहा, व इदा लकूकुम कालू आमन्ना, जब ये मुनाफिकीन तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। व इदा खलौ अब्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, लेकिन जब अपनी तन्हाइयों में होते हैं तो गुस्से से अपनी उंगलियां चबा जाते हैं, तुम पर इतना गुस्सा होते हैं सहाबा पर, सहाबा की दीनदारी, उनके ईमान का कमाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी और दीन के लिए उनकी आमादगी और उनका यानी गलबा, उनके अखलाक, उनकी दीनी तरक्की, उनकी दुनियावी तरक्की, इसको देखकर इतना चिढ़ते हैं, इतना गुस्सा होते हैं कि गुस्से में अपनी उंगलियां तक चबा जाते हैं। अब्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, दिली गुस्से की वजह से तुम पर अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं गुस्से से। अल्लाह ने कहा, कुल मूतू बिगैज़िकुम, ए नबी आप कहिए मरो तुम अपने गुस्से में, मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के भेदों को जानता है। तुम्हारे सीनों में जो गंदगी है, निफाक है, अहले ईमान के लिए जो तुम्हारे दिलों में यानी खोट है, अल्लाह उसको जानता है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हारे साथ कोई भला मामला हो जाए, अगर तुमको कोई खैर नसीब हो भलाई तुम्हारे साथ हो, इन्हें बुरा लगता है, मुनाफिकीन को बुरा लगता है। व इन तुसीबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा, और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम पर कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो ये खुश हो जाते हैं, मज़े करने लगते हैं मुनाफिकीन। ये मुनाफिक की सिफत होती है। तो ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 119-120। तो उनको गुस्सा क्यों आता था? सहाबा को अगर कोई तरक्की मिले, फ़तेह मुसलमानों की हो, जंग में गलबा हो, या उनको माल मिले, माल गनीमत आए, या इनकी दीनी तरक्की हो, या कोई ऐसी आयत नाजिल और सहाबा खुश हो जाए उसके ऊपर, तो उनको बुरा लगता था, गुस्सा होते थे। ये जो गुस्सा है ये बुरा है। मसलन मजलिस में आप हैं और कोई दूसरा तालिब इल्म है, वो आगे बढ़ गया, आपको उस पर गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा है भाई? किसी शेख ने किसी तालिब इल्म को पसंद किया, इनाम दिया उसको, या उसकी तारीफ़ कर दी, आपको गुस्सा आ रहा है, मेरी नहीं की। क्यों? आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? आपने भी दीन की खिदमत की, किसी और ने भी की, आपको उस पर गुस्सा आ रहा है कि वो आपसे आगे बढ़ गया नेकी में। आप जो कर सकते थे आपने नहीं किया, आपने सुस्ती की, वो आगे बढ़ के उसने बड़ा काम कर दिया। आपको गुस्सा उस पर आया कि उसको कैसे मौका मिल गया। हसद के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो कहा कि यानी ये क्या है? ये मुनाफिकीन की सिफत है। तो ये बुरा गुस्सा है। ऐसा गुस्सा अच्छी बात नहीं है। हाँ, दीन के खिलाफ अगर कोई चीज़ देखता है गुस्सा है, बुरा नहीं है। इस सिलसिले में ये भी हम देखते हैं कि मैं समझता हूँ वक्त, ये हदीस इसकी शरह देखें, इंशाल्लाह बाकी हिस्सा हम आगे मुकम्मल करेंगे। हदीस में जो अब हम ये देखेंगे कि गुस्से को काबू में कैसे किया जाए, गुस्सा कैसे काबू किया जाए। इसमें जो पहली हदीस हमने देखी थी कि लैस शदीद बिस्सुरा इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू रखे। इस हदीस का एक सियाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र बिक़ौमिन यस्तरिऊन फ़क़ाल मा हादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ लोगों पर हुआ, तो आपने देखा कि वो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। फ़क़ाल मा हादा, आपने कहा ये क्या है? क़ालू या रसूलल्लाह हादा फ़ुलानुन अस-सरीअ मा युसारिउ अहदन इल्ला सरअहु। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये बहुत ज़बरदस्त पहलवान है, यह आदमी बहुत ज़बरदस्त पहलवान है, जिससे भी कुश्ती लड़ता है उसे पछाड़ देता है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मन हुआ अशद्दु मिन्हु। आपने फरमाया तुम्हें बताऊं इससे ज़्यादा मजबूत कौन है, इससे ज़्यादा ताकतवर कौन है। रजुलुन ज़लमहु रजुलुन, जिस पर किसी ने जुल्म किया, फ़क़दम ग़ैज़हु, तो उसने अपने दिल ही दिल में गुस्सा पी लिया। फ़ग़लबहु वग़लब शैतानहु, और उसने अपने गुस्से पर वो गालिब आया, और यानी वग़लब शैतानहु वग़लब शैतान साहिबिही, और अपने शैतान पर भी गालिब आ गया और अपने साथी के शैतान पर भी गालिब आ गया। दो आदमी में कुछ बात हो गई, अनबन हो गई, इसने कुछ बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया? जब किसी और ने, उसी के मुसलमान भाई ने उसके साथ कोई बुराई कर दी, इसको गुस्सा आ गया। लेकिन इसने क्या किया? रजुलुन ज़लमहु, किसी ने उस पर जुल्म किया। रजुलुन ज़लमहु रजुलुन फ़क़दम ग़ैज़हु, उसने अपना गुस्सा पी लिया। फ़ग़लबहु, और अपने गुस्से पर गालिब आ गया। वग़लब शैतानहु, और अपने शैतान पर गालिब आ गया, क्योंकि शैतान उससे अब क्या करवा देता, गुस्से में आके गाली दे देता, गुस्से में आके जुल्म कर देता। तो उसने अपने गुस्से पर भी काबू पाया और अपने शैतान पर भी काबू पाया। वग़लब शैतान साहिबिही, और इसने कुछ नहीं किया तो उसके साथी के, अपने भाई के शैतान पर भी गालिब आ गया। ये गालिब आना बड़ी ताकत है, अपने शैतान पर, दूसरों के शैतान पर, और अपने गुस्से पर काबू पाना, ये बड़ी ताकत है और ये बड़ा पहलवान है। इमाम अल-बज़्ज़ार ने इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 7272। और अस्सहिया में शेख अल-अलबानी ने हदीस नंबर 3295 पर कहा कि इसनाद हसन, इस हदीस की सनद हसन है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, वक्त हो गया है। मज़ीद इसमें कुछ हिस्सा है कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, कुछ और तरकीब हदीस में आई है, क्योंकि हदीस इसी से मुतालिक है। बहादुर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़े, बहादुर वो है जो गुस्से में अपने आप पर काबू पाए। तो अपने आप पर कैसे काबू पाएँ, इसके लिए कुछ बातें हदीस में ही आई हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम वो बातें देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को बुराइयों से महफूज रखे, बुरे अखलाक से अल्लाह ताला हम सब को बचाए और अच्छे अखलाक से मुज़य्यन होने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।